शिमला के ISPT स्थित टाटा शोरूम में आज सुबह आग लगने से जहां अफरा तफरी मच गई, वहीं लाखों का सामान आग की भेंट चढ़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी के अंतरराज्यीय बस अड्डा स्थित टाटा शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक आग सुबह करीबन 4:30 पर लगी। इस आगजनी की घटना में शोरूम में रखे स्पेयर पार्ट्स बुरी तरह जल गए, साथ ही शोरूम में दो गाड़ियां टाटा पंच व टियागो भी आग की चपेट में आने से गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग इतनी भयानक थी कि बालूगंज के अलावा छोटा शिमला व माल रोड के अग्निशमन वाहन भी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस आगजनी में लगभग 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। नुकसान ज्यादा भी हो सकता है, इसका आकलन किया जा रहा है। तोड़ दे।